कृष्णा ट्रेडर्स, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपके लिए आज हम लोग लाए हैं एक स्पेशल सीरीज जिसमें हम लोग आपको कैंडल के विक्स का फुल डिटेल्ड नॉलेज देने वाले हैं और उसी सीरीज का आज का ये वीडियो पहला पार्ट होने वाला है। इसके बाद सेकंड पार्ट भी आएगी, थर्ड पार्ट भी आएगी। जैसे जैसे पार्ट आगे बढ़ेगी वैसे वैसे नॉलेज कैंडल के विक्स के बारे में डीप होता चला जाएगा और ये मैं अभी वादा कर रहा हूं इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आप लोग कैंडल के विक्स रीडिंग में मास्टर बन जाएंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं क्योंकि आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं, आपकी इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स आती है हमारे वीडियोस में, आप लोगों की मैसेजेस आती है कि सर आपकी वीडियो की नॉलेज हमें बहुत अच्छी लग रही है। और प्लस जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स को ज्वाइन किया है वो सब भी बहुत खुश हैं हमारे क्लास को लेकर। कई स्टूडेंट्स को तो अभी 2 मंथ भी नहीं हुए हैं और उन्हें रिजल्ट मिलने लग गए हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं कि आपका हमें इतना प्यार मिल रहा है और आप लोग को हमारे नॉलेज से रिजल्ट मिल रही है। और यही हमारा मेन एम था BTT स्टार्ट करने का जो अब पूरा हो रहा है, तो थैंक यू आप सभी को। तो अब हम लोग आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं विक्स के फॉर्मेशन के बारे में कि विक्स फॉर्म कैसे होता है, और सेकंड हम लोग जानने वाले हैं जो विक्स जब फॉर्म हो जाता है तो विक्स हमसे कहना क्या चाहता है, विक्स का मतलब क्या है, जब भी विक्स बनता है तो उससे हमें क्या समझना चाहिए। ये 2 चीज आज के इस पहला पार्ट में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बायर्स के विक्स को आपको ड्रॉ करके बताने वाला हूं। जैसे ये है बायर्स का कैंडल और ये हो गया विक्स, विक्स इसको कहते हैं विक्स, ठीक है। तो ये बायर्स कैंडल है, सबको पता है, ये तो इतना बेसिक सबको पता है ये बायर्स कैंडल है। ये हो गया ओपनिंग पॉइंट और ये हो गया क्लोजिंग पॉइंट, ये सब तो सबको पता होगा क्योंकि आज हम लोग केवल विक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस कैंडल के फॉर्मेशन के बारे में आपको बताता हूं कि ये कैंडल फॉर्म कैसे हुआ होगा। तो जैसे कि इस बायर कैंडल का ओपनिंग पॉइंट ये नीचे है, यहां से ओपन हुआ होगा ये बायर कैंडल, तो सबसे पहले क्या होगा यहां से ओपन हुआ होगा ऐसे, फिर ये जहां तक विक्स बना है इस पॉइंट तक गया होगा, इस पॉइंट तक ये टच किया होगा। लेकिन फिर क्या हुआ, यहां पे कुछ सेलर्स बैठे हुए होंगे जो वेट कर रहे थे कि इस प्राइस तक बायर्स पहुंचे, जैसे ही पहुंचे तो मैं यहां से बेचना स्टार्ट करूंगा। तो जो सेलर यहां पे बैठे हुए थे वो यहां से रिजेक्ट करना स्टार्ट किए और रिजेक्ट करते करते लास्ट में 1 मिनट में ये कैंडल यहां आके क्लोज दिया, यहां आके, और जहां तक बायर्स ट्राई किए थे वहां पे बन जाता है विक्स। ये हो गया इस कैंडल का विक्स। ये हो गया इस कैंडल का विक्स। तो इस तरीके से ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यानी अब देखो यानी कि विक्स हमसे क्या कहना चाह रहा है, विक्स दिखाना चाह रहा है कि यहां पे कौन बैठे हुए थे, सेलर्स, यहां पे सेलर्स बैठे हुए थे, ठीक है। तो यहां पे बैठे हुए थे सेलर्स, तभी बायर्स तो गए इस पॉइंट तक, लेकिन यहां पे जो सेलर्स बैठे हुए थे उन्होंने रिजेक्ट करके बायर्स को यहां तक पहुंचा दिया। तो विक्स हमें क्या दिखाना चाह रहा है, सेलर्स के एंट्री को। अगर बायर्स कैंडल में विक्स बन रहा है तो वो हमें दिखा रहा है सेलर्स के एंट्री को, सेलर्स के एंट्री को वो हमें दिखा रहा है। और ये सेलर्स, इसको अगर आपको और अच्छे समझना है तो ये 1 मिनट का कैंडल, हम लोग मैक्सिमम लोग बाइनरी ऑप्शन में 1 मिनट पे ही ट्रेड करते हैं, बट जब आप 5 सेकंड खोलोगे तो आप देखोगे जहां से विक्स बनना स्टार्ट हुआ है यहां से 5 सेकंड का छोटा छोटा आपको सेलर कैंडल दिखेगा आते हुए इस तरीके से। 5 सेकंड अगर आप खोल के देखोगे तो टाइम स्पेंड जो चेंज करने का ऑप्शन आता है वहां पे हम लोग 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं, आप 5 सेकंड में देखोगे तो इसी पॉइंट से जहां से विक्स बना है वहां से आपको 5 सेकंड का छोटा छोटा कैंडल आपको सेलर का आता हुआ दिखेगा, जो हमें क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे, सेलर्स की एंट्री हुई, जो आपको रिजेक्शन दिखता है ना 1 मिनट में, अगर आप 5 सेकंड में देखोगे तो आपको सेलर्स की कैंडल दिखेगी। अगर इसको आपको प्राइस में समझना है
तो आप प्राइस में समझ के देखो इसे, मान लो यहाँ पे प्राइस थी 100, ठीक है, तो ओपनिंग हुई 100 पे, तो यहां से बायर ने खरीदना स्टार्ट किया 100 रुपए से, तो जैसे बायर खरीदना स्टार्ट हो, तो अगर कोई खरीद रहा है कोई चीज, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, सिंपल है, उसकी डिमांड बढ़ती गई, प्राइस बढ़ता गया, लेकिन बायर्स खरीदते हुए रुके नहीं, बायर्स खरीदते गए, और बायर्स किस प्राइस तक खरीदते गए, इस प्राइस तक, मान लो यहाँ पे प्राइस है 500 प्राइस तक बायर्स खरीदते गए, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, यहां पे सेलर बैठे हुए थे, सेलर को समझना, सेलर वेट कर रहे थे कि जैसे ही 500 प्राइस तक पहुंचेगी तब मैं बेचना स्टार्ट करूंगा, उससे कम में मैं नहीं बेचूंगा। जैसे यहाँ पे 100 प्राइस था, तो यहां से बायर ने खरीदना स्टार्ट किया, खरीदते गए, अभी तक यहाँ पे 200 प्राइस हुआ, 300, 400, लेकिन सेलर बैठे हुए 500, सेलर का मन है कि 500 से कम में मैं नहीं बेचूंगा, इसलिए सेलर कहां बैठे हुए थे, 500 के प्राइस पे, और जैसे ही कैंडल 500 के प्राइस पे पहुंची, यहां से सेलर्स एंट्री लेना स्टार्ट कर दिए, और सेलर ने बेचना स्टार्ट कर दिया, और किस प्राइस तक बेचा, मान लेते हैं यहां पे प्राइस हो गया 400 प्राइस तक सेलर ने बेचना स्टार्ट कर दिया, यहां तक सेलर ने बेचा। तो ये मैंने आपको प्राइस के रिलेशन में समझाया कि कैसे आपको विक्स को समझना है, और ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो विक्स का मतलब सिंपल होता है, अगर वो बायर्स कैंडल में बन रहा है तो इसका मतलब सिंपल सा है, सेलर कैंडल के एंट्री को दिखा रहा है, यानी कि यहां पे सेलर बैठे हुए हैं, ये हमें विक्स समझाता है। अब देखते हैं सेलर कैंडल का विक्स क्या कहता है, ये बन गया हमारा सेलर कैंडल और ये हो गया इसका विक्स, ठीक है, न्यू लो। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेशन देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, तो इसकी ओपनिंग पॉइंट ये है, क्लोजिंग पॉइंट ये है, ये तो आपको सबको पता, अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे बेसिक कोर्स प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसमें हम लोगों ने एक वीडियो बनाई हुई, उसमें हमने ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस बताई हुई है, ये काफी बेसिक हो जाएगा। तो यहां से ओपन हुआ, सबसे पहले ये सेलर कैंडल ऐसे नीचे गया होगा, इस प्राइस तक गया होगा, इस प्राइस तक। अब यहां पे कुछ बायर्स बैठे हुए होंगे, जैसे ही इस प्राइस पे पहुंचा होगा सेलर कैंडल, बायर्स खरीदना स्टार्ट किए और खरीदते इस प्राइस तक बायर्स खरीदे होंगे, और यहां पे एंड में आके कैंडल क्लोज दिया, और ये बन गया आपका विक्स। तो ये जो सेलर कैंडल विक्स बना है वो आपको क्या दिखा रहा है, वो आपको शो कर रहा है बायर्स एंट्री, यानी कि यहां पे बायर्स बैठे हुए थे, सेलर ने यहां से बेचना स्टार्ट किया, बेचते वो इस प्राइस तक बेचे, और यहां पे बायर्स पहले से वेट कर रहे थे कि तुम इस प्राइस पे पहुंचोगे, मैं यहां से खरीदना स्टार्ट कर दूंगा, यानी कि यहां पे बायर्स बैठे हुए हैं। तो विक्स को आप सिंपल से कह सकते हो, ये एक प्रकार का आपका लेवल भी होता है, छोटा लेवल हो इसको आप कह सकते हो, छोटा लेवल की तरह वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, आपको ट्रेड नहीं लेना, ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया छोटा लेवल तो यहाँ पे आप अब नेक्स्ट कैंडल अगर विक्स पे क्लोज दे दिया तो आप रिवर्सल की ट्रेड ले, नहीं वो सब आपको नहीं करना, मैं आपको नॉलेज लिए बता रहा हूँ कि आप इसको छोटा लेवल कह सकते हो, कि यहां से बायर्स की एंट्री हो रही है, तो ये एक छोटा सपोर्ट लेवल आप कह सकते हो, एक छोटा सा सपोर्ट लेवल, यहाँ पे छोटे से हो सकते हैं बायर बैठे हुए हो, और यहाँ पे हो सकता है सेलर बैठे हुए छोटे से, तो जो यहाँ पे बैठे हुए, तो इसको आप छोटा सा एक रेजिस्टेंस लेवल बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर इसमें प्राइस में समझा जाए, मान लो यहाँ पे प्राइस था 1000, सेलर ने 1000 में बेचना स्टार्ट किया, लेकिन कोई नहीं खरीदा, तो अगर कोई नहीं खरीद रहा है तो सेलर को क्या करना पड़ेगा, प्राइस घटाना पड़ेगा। तो सेलर क्या किया, अपने प्राइस को घटाते सेलर ने इसको कर दिया, मान लेते हैं 500 रुपए, और बायर्स वेट कर रहे थे कि सेलर जैसे ही इसको 500 प्राइस तक लाएगा तभी हम खरीदेंगे, उससे महंगी में तो हम लेंगे ही नहीं। तो सेलर 1000 से सस्ता करता है, मान लो कोई सेलर, कोई दुकानदार है, वो सामान बेच रहा बट कोई ले नहीं रहा है, तो सामान तो खराब हो जाएगा, तो उसको सस्ता तो करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे कोई खरीद नहीं रहा, कोई बायर्स है ही नहीं, तो सेलर क्या करेगा, सस्ता करता जाएगा, करते करते कि जैसे ही 500 पहुंच जाते, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, जैसे ही 500 पहुंचेगा हम खरीदेंगे,
तो जैसे ही ये 500 रुपए से पहुंचा, बायर्स ने खरीदना स्टार्ट किया। अब मान लो खरीदते खरीदते ये पहुंच यहां तक 700 प्राइस तक बायर्स खरीदते हैं, और ये आपका बन गया विक्स। तो ये विक्स हमें दिखाता है बायर्स के एंट्री को, और ये जो सेलर कैंडल जो विक्स बन रहा है, और बायर्स कैंडल के विक्स हमें बताता है सेलर कैंडल के एंट्री को। तो अभी तक आप विक्स के फॉर्मेशन को समझ चुके होंगे कि विक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, विक्स का मतलब क्या होता है, डिटेल में समझ गए होंगे कि विक्स का बनने के जो पीछे का जो कारण होता है वो क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके पीछे का लॉजिक कैसे है। प्राइस में भी मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, आपको मैंने बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है। ये छोटा सा टॉपिक है बट मैंने आपको इतना डीपली समझाया, शायद ही आपने कहीं और ऐसे सीखा होगा। तो आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये पहला पार्ट था, इसमें बस हमें फॉर्मेशन जानना था और इसके पीछे की लॉजिक जाननी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी विक्स का हम लोग यूज करेंगे मोमेंटम में, कि मोमेंटम में विक्स का हमें कैसे यूज करना है, ये इसका होगा पार्ट टू। तो पार्ट टू को जरूर देखना, जैसे जैसे पार्ट बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग और डीपली जाने लगेंगे। सो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो नॉलेजेबल लगी और अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी ट्रेडर बनना चाहते हैं। और अगर आप हमारे एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको हमारी नॉलेज अच्छी लगती है तो आप जरूर आओ। आपको हम लोग पहला क्लास एज अ डेमो देंगे, आप उस डेमो क्लास को कर सकते हो, उसमें भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। उस डेमो क्लास को करो, उसके बाद अपनी डिसीजन लेना। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।